इस वीडियो में मैं आपको टेंसेस की एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। उससे आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली रिटन वर्क जितना भी होता है उसमें टेंसेस इस्तेमाल होते हैं एकेडमिक राइटिंग के अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अपना मोबाइल मिरर किया हुआ है। ये क्विक सपोर्ट टीम व्यूवर की एक एप्लीकेशन है, इसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ अपने मोबाइल में और अपने पीसी के अंदर और लैपटॉप के अंदर। आप टीम व्यूवर डालें और जो है ना यूट्यूब पे आप वीडियो देख लें कि इसको मिरर कैसे करते हैं। ये क्विक सपोर्ट आपको जो है एक आईडी देगा, वो आईडी आप जो है अपने पीसी या लैपटॉप के टीम व्यूवर के अंदर इनपुट कर दें। उसके बाद आपको मोबाइल पे अलाउ का ऑप्शन आएगा, आप अलाउ कर दें, आपका मोबाइल इस तरीके से मिरर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन लाजमी है। तो आप अपने प्ले स्टोर पर जाएँ और यहाँ पर लिखें टेंसेस विद एक्सरसाइज। आपके पास काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगी, आप ये एप्लीकेशन ढूंढें। ठीक है, इसका ये आप आइकन देख लें और दूसरा डेवलपर के नाम से एप्लीकेशन को जाना जाता है, तो यहाँ लिखा हुआ मुस्तफ़ा कमाल। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया हुआ है, पास्ट टेंस के बारे में बताया हुआ है, फ्यूचर टेंस के बारे में बताया हुआ है, उनकी सब कैटेगरीज भी आपके सामने हैं। मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पर क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास एक ऐड आ गया, इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, आप देखें सबसे पहले टेंस की डेफिनेशन बता रहे हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है। हमें ये नहीं बताया जाता है कि ये टेंस है क्या, ये वैसे प्रेजेंट डेफिनेटिव ये है क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूस ये है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये आपको बता रहा है द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ द वन विच वी यूज़ व्हेन एन एक्शन इज़ हैपनिंग राइट नाउ और व्हेन इट हैपेंस रेगुलरली। मतलब डेली बेसिस पे आप काम कर रहे हैं, हैबिचुअल एक्ट जो है ये बता रहा है कि ये टेंसेज जो हैं वो शो करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। ठीक है, और यूनिवर्सल फैक्ट जो होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं, वो भी ये टेंस बताता है। जैसे सूरज मशरिक से निकलता है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। उसके बाद उसके बारे में इजाफी कुछ चीज़ें बता रहा है। ठीक है, उसके बाद उसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर दे रहा है। ठीक है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सवालिया, ये सारे कैसे बनेंगे। ठीक है, आप नीचे ब्राउज करके और भी चीज़ें देख लीजिएगा। आप यहाँ देख रहे हैं MCQs टेस्ट है, ये इस एप्लीकेशन की सबसे अच्छी बात है। ठीक है, और ये ऑफलाइन है, तो आप ये जो है इसमें MCQs टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्क लिखे हुए हैं, यहाँ टाइम चल रहा है और यहाँ टाइम रिमेनिंग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आपको जस्ट चेक लगाना है और चेक लगाते हुए जाना है। ठीक है, इनको पढ़ना है और चेक लगाते हुए जाना है आपने। और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर गलत आंसर होगा तो वो सही वाला टिक कर देगा कि ये सही था। तो आई होप आपको ये एप्लीकेशन पसंद आई होगी, इसका आप बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें।